एक प्रेमी दूसरे प्रेमी से। तुम कितना प्यार करते हो मुझसे, जरा मैं भी तो देखूं। तुम ना मेरे लिए अपना प्यार साबित करके दिखाओ। यह प्रश्न हर व्यक्ति के जीवन में अंततः आ ही जाता है, तथा अपना प्रेम सिद्ध करने हेतु एक व्यक्ति से ये कहा ही जाता है। अब प्रेम है तो परीक्षा भी, परीक्षा है तो कठिनाई भी। तो आज इस कठिनाई का भी निवारण हम कर ही देंगे एक छोटी सी कहानी के माध्यम से, राधा कृष्ण के माध्यम से। कृष्ण और राधा बचपन से ही एक थे, वे अभियोज्य थे। उनका प्रेम पवित्र और अटूट था, एक दिव्य संबंध जो सभी प्राकृतिक बंधनों को पार करता था। तो हुआ कुछ ऐसा कि एक दिन श्री कृष्ण राधा के पास चालाक आंखों के साथ, शरारती भाव के साथ गए और उन्होंने कहा, हे राधे, मैंने मेरे प्रति तुम्हारे प्रेम की ना जाने कितने ही किस्से कहानियां सुनी हैं, किंतु मैं आश्चर्य करता हूँ एवं असमंजस में रहता हूँ कि तुम्हारा प्रेम वास्तविक रूप में इतना गहरा, असीम तथा अद्भुत है। हे प्रिय राधे, क्या तुम इस भाव को मेरे भीतर से दूर कर सकती हो? क्या तुम अपना प्रेम मेरे लिए सिद्ध कर सकती हो? अब राधा के हृदय में तो कृष्ण की भक्ति की अत्यधिक भरमार थी, तो उन्होंने उत्सुकता से उत्तर दिया, मेरे प्रिय कृष्ण, मेरा तुम्हारे प्रति प्रेम किसी भी सीमा से बाहर है। मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकती हूँ, तथा मेरे प्रेम को सिद्ध करने के लिए मैं किसी भी प्रकार के परीक्षा में सफल हो सकती हूँ। कृष्ण, जिनके मुख पर एक खिलखिलाती सी मुस्कान थी, उन्होंने कहा, तो राधे, रात को यमुना जाओ और वहां से चांद की प्रति छाया लेकर मुझे दो, जैसे कि तुम्हारे प्रेम का वो भव्य सा प्रतीक हो। राधा कृष्ण का अनुरोध सुन पूरी तरह चौंकाई। अब भला बहती हुई नदी से चांद की प्रति छाया लाने की संभावना कैसे थी? अवश्य ही यह एक असंभव कार्य सा लग रहा था, किंतु राधा का कृष्ण के प्रति प्रेम असीम था और वह उनके इस असंभव से अनुरोध को पूर्ण रूप से पूरा करने को निर्धारित थी। तत्पश्चात उस रात राधा यमुना नदी की ओर बढ़ी। उनके हृदय में प्रेम और आशा के साथ जब उन्होंने जल की ओर देखा, तो उन्होंने अपनी आंखें बंद की और कृष्ण की ओर से उनकी पूर्ववत गहरी प्रार्थना की, उन्हें निस्वार्थ भाव से स्मरण किया। अब राधा गहरे भाव में, ये चांद की प्रति छाया मैं ले कैसे जाऊं कान्हा के लिए? उन्होंने बहुत चिंतन किया, कुछ प्रयास भी किए, परंतु कोई लाभ नहीं। तो अंततः अपनी पलकों से बहते हुए अश्रु के साथ राधा ने अपनी भक्ति के साथ कृष्ण को पुकारा, हे प्रभु, मेरा पूर्ण विश्वास है आप में, अब आप ही कोई चमत्कार करें, मेरे प्रेम को सिद्ध करने में मेरी सहायता करें। राधा के पवित्र और अद्भुत विश्वास से प्रेरित होकर कृष्ण उनके सामने प्रकट हुए, तथा वे मुस्कुराए और बोले, राधा, तुम्हारा प्रेम पहले से ही स्वयं को सिद्ध कर चुका है। तुमने जिस भक्ति से, जिस प्रेम से मुझे पुकारा, मुझे आवाज दिया, उसे देखकर मैं स्वयं को कदाचित ना रोक सका। तुम्हें यमुना नदी से चांद की प्रति छाया लाने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम्हारे प्रेम ने रात के इस अंधकार को चांद से भी अधिक चमका दिया है। तुम्हारे मोतियों से गिरते आंसुओं ने तारों से इस पावन धरती को भी जगमगा दिया है। यह सुनके राधा का हृदय खुशी से झूम उठा और वे समझ गई कि उनका कृष्ण के प्रति प्रेम केवल कोई असंभव कार्य हेतु नहीं था, बल्कि यह भक्ति और उसके प्यार की गहराई और ईमानदारी की गहरी कीमत हेतु था। कृष्ण का प्रेम राधा के प्रति भी उसी गहराई सा था, और इसी कारण उनका संबंध भी अतुल्य था, जो सभी लौकिक चुनौतियों और परीक्षाओं को पार कर चुका था।
एक दिव्य प्रेम के प्रतीक के रूप में सभी के लिए। इस कहानी के द्वारा मैं यह बताना चाहता हूँ कि प्रियगण, अपना प्यार प्रूव करने के लिए, साबित करने के लिए हमें चांद तारे तोड़ना, चमत्कार खोजना, महंगे महंगे तोहफे लाना, वैलेंटाइन पे फालतू के पैसे उड़ाना, असंभव कार्य को संभव करने की कोशिश करना कदा भी आवश्यक नहीं है। यह सब जरूरी नहीं है प्यार साबित करने के लिए। आवश्यक तो केवल मन का भाव है, मन का प्रेम है, अपने साथी पे विश्वास, भरोसा, आस्था, ये है। याद रखो, ये सब ओल्ड फैशन नहीं, हाँ ओल्ड स्कूल हो सकता है, मगर उस व्यक्ति का प्रेम स्वयं राधा कृष्ण के प्रेम से कम नहीं जो ये कहानी समझ और इस पे अमल कर सकता है। राधे राधे, मिलते हैं एक और कहानी के साथ। जय श्री कृष्णा।